आज ब्लॉग जो है ना थोड़ा लेट आ रहा है। 11 अंधेरा भी हो गया आज, ज्यादा लाइटें वाइटें कम चल रही है आज। मंचूरियन है, नूडल्स है, ठीक है, मिक्स वेज है। मैं सिखाऊं और इनके कुछ इनके ऊपर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे बिस्तर में सोए सोए ठीक हूँ। ठीक हूँ इसलिए रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गाइस, इसलिए अभी उठने में थोड़ा दिक्कत हो गया। 6:57 हो चुके हैं गाइस, फटाफट उठना पड़ेगा, नहाना है धोना है। हल्का सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ छत पर जाके, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बिना एक्सरसाइज के तो मैं कुछ होता नहीं है। लेकिन आज रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था गाइस। मैं पहले ऑफिस से निकला, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से आया, बहुत ज़्यादा जाम था ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। कोई नहीं, कभी एक बार होता है। तो फटाफट आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छा सा लगेगा। क्योंकि ना रात को अच्छी तरह से नींद पूरी नहीं होती है ना, तो अजीब सा ही लगता है, फिर वो दिन भर सुस्ती छाई रहती है। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो फटाफट कर लेते हैं गाइस। कौन आया ये देखो, कौन आ गया, कहाँ से आ गया तू, कहाँ से आ गया? खेलने आया था, खेलने आया, खेलने आया बेटा, खेलने आया, चल खेलने जा, टाइम से ले आइए, खेलने लग गया। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, बदमाश की टोली भी आ गई, इनको लेके जाता हूँ। फटाफट निकलते हैं, नहाना भी है, फिर ऑफिस चलेंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। ये देखते हो, ये देख रहे हो बदमाश की टोली कैसे कर रही है, पूरा बदमाशी की टोली खेल खेल के थक गए। अब ये आराम करेंगे, मैं जाऊँगा ऑफिस। सो गाइस, आज जो है ना मौसम भी ठंडा ठंडा लग रहा है, इतना गर्मी नहीं है, अच्छा अच्छा लग रहा है। फटाफट निकलते हैं गाइस, नाश्ता करेंगे फिर निकल जाएंगे। सो गाइस, देख सकते हो नाश्ता आ चुका है, फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। चलो भोलेनाथ, चलो गाइस फटाफट निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेट हो जाएंगे नहीं तो। जो लेट वाला शब्द है ना, पता नहीं किसने बनाया था, ये बड़ा फेमस है गाइस। ओहो, यहाँ तो ओ भैंस की आँख, एक बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ, बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ तक कुछ रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ घुस जाएगा गाड़ी वाड़ी। वहाँ पे रखा है बैरिकेड, बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। स्कूटी अगर अंदर घुस जाती है ना तो नहीं निकलती, इतना मैं कह सकता हूँ, इतना बड़ा गड्ढा है अंदर तक, रोड के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा। आज तो मौसम तो एकदम जबरदस्त हो गया यार, ना धूप है ना बारिश है, एकदम मस्त हो गया। जय भोलेनाथ की जय, ये मंदिर है। ओए होए, झंडा क्या मस्त लग रहा है आज तो। आज तो यहाँ और ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल बड़ी। अंधेरा भी हो गया आज ज़्यादा, लाइटें वाइटें कम चल रही हैं आज। ले ले ले, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आप भी लेके आए हो, दे दो, ये ले, चल चलो चलो चलते। गौ माँ को रोटी भी दे दिया, ऑफिस भी पहुँच गए। ऑफिस के गेट में जो है ना आज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक खाली है। सो गाइस, फाइनली जो है ना ऑफिस पहुँच गए, अच्छा लग रहा है आज, टाइम से पहुँचने में ना अच्छा ही लगता है। सो गाइस, ऑफिस पहुँच गए, ये मेरा चेला भी आ चुका है। ओए, हाय ब्रेंडा, कैसे हो? सब बढ़िया मेरा भाई। और ये तो हमेशा मेरे साथ ही होते हैं, पता नहीं क्यों एक ही टाइम है हम दोनों का, पता नहीं कैसे मैच कर जाता है टाइम। ये मेरा अच्छा भाई है, छोटा छोटा भाई है, ठीक है, प्यार करता है, कभी कभार कभी कभार बदतमीज हो जाता है, बात अलग है, अदरवाइज ठीक है। सो गाइस, ऑफिस पहुंच चुका हूं। आज मौसम जो है ना इतना बढ़िया है बाहर, कहने की हद नहीं है, मजा आ गया गाइस।
काम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि G20 का काम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी काम थोड़ा सा प्रेशर में है। कोई दिक्कत नहीं, काम तो काम होता है, काम को बोझ नहीं समझना चाहिए जहाँ तक मैं मानता हूँ। काम को काम की तरह यूज करो और खुश होकर करोगे ना, फटाफट काम नहीं पड़ जाता है। जय महाकाल, जय महाकाल। अब तो महाकाल ही बोले हो ना, आज तक तो नहीं सुन रहा था मैंने महाकाल। एक हफ्ते से रहेगा महाकाल का। कैसा रहा? बहुत चंगा, मस्त। आज तो बहुत जाम था यार। अरे देखो ये भी आ गए। जय सियाराम, जय महाकाल। नहीं नहीं, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, भारत माता की जय। जय। ये देखो भाई सब आए हैं। जय प्रसाद लेके आए हैं। ये महाकाल से आए हैं तो थोड़ा जय महाकाल, जय महाकाल। ये प्रसाद मिल गया मुझे, शायद ब्लॉग और बढ़े, आप लोग अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगेगा। प्रसाद मैं खा रहा हूँ लेकिन आप लोग ये समझना कि मैं भी खा रहा हूँ, यानी कि आप लोग भी खा रहे हो। कह रहे पार्टी में जा रहे हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता कि कौन से पार्टी में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं ये लोग कंधे में, मुझे कंधे में ले जाओगे ना? विदाई समारोह, विदाई समारोह किसका पता है? इनको बाय बाय करने का टाइम आ गया गाइस। आज जो है मैडम को हम जो बाय बाय करेंगे तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, है ना मैम? बाय बाय करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, हम तो नहीं चाहते कि करें। क्यों, अब अच्छा नहीं लग रहा है? आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, सही बात है। इतने टाइम से साथ में थे तो अब थोड़ा सा वो नेचुरली आ जाता है एक फील ना, कि मतलब जा रहे हैं इतने कली के साथ, इतने सालों से काम किया तो वो हो जाता, प्यार ज्यादा बरस रहा है इधर से। ये देखो ज्यादा प्यार बरस रहा है आज। यार ऐसा मत बोलिए सर, रोना आप। तो प्यार हमेशा रहेगा लेकिन आज जो है ज्यादा बरस रहा है, बरस रहा है सर। ये जो प्लेस है ना, हम लोगों का बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत कुछ है। हम लोग वहीं आज लंच करने जा रहे हैं, देखो वहाँ से लेके यहाँ तक नजर घुमाओगे ना। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. You know where? कहाँ है? वेन्यू कहाँ है? पता है? नहीं पता, हम ऐसे जा रहे हैं। अच्छा इस तरफ है, देखो लोग बाग आए हुए हैं पहले से। मंचूरियन है, नूडल्स है, ठीक है, मिक्स वेज है, पनीर है, और क्या है, दाल है, चावल है, और रायता है, सलाद है। ये देखो बंदा पहले पहुंच के रेडी है। क्या है ये, कम से कम वेट तो कर लेते हैं। वेट तो कर रहा हूँ, आज ब्लॉग से बैठना पड़ता है। ये देखो मेरा वेट भी नहीं किया बंदे ने, देखो शुरू हो गया बंदा चालू। कुछ बोलना चाहेंगे? खुद वीडियो बना रही है। अच्छा अच्छा, दुखी है तो वीडियो बना रही है भाई। खुश होती तो पता नहीं क्या हो जाता मैम। मैम आ जाओ ना। अरे भैया कोई ब्लॉग करेगा मेरा? ये कुछ पहले बैठ गई भाई, आज तो बनता है इनका भी। हेलो भैया, आप लोग आ गए पहले? ले लिया? चलो भाई, बुला तो लिया होता मुझे। मैं था उसमें ना। किसमें? अरे साहब। अच्छा चलो भाई ले लेते हैं, खाना ले लेते, पहले खाना ले लेंगे। खाना तो अपने लिए खा रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब यहाँ कैसे खा रहे हैं, क्या कुछ है क्या? आज आज जो है ना, शिखा मैम का विदाई समारोह है। ये शिखा मैडम है, सर का हमेशा हंसता हुआ चेहरा। मैम कैसे हैं आप? एक पहले हमारा गुड मॉर्निंग होगा, मैम कैसे हैं? मैं सर से पूछूंगी, सर कैसे हैं आप? और मतलब इट हैज बीन कि एक होता है स्माइलिंग फेस, वो सामने बिल्कुल, वो कैसे भी मूड में हो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही मिलेंगे एकदम हंसते हुए। आप बहुत हेल्पफुल हो मैम, थैंक यू सो मच। दो खुराक किसी के जाने पर हम अगर उस लेवल पे देखें कि हमारी एक टीम टूट गई है। बट इसलिए था क्योंकि शिखा मैम जो है ना यहाँ से छोड़ के जा रही हैं दूसरी जगह,
उनके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और जहाँ पे भी जाएं अच्छे रहें। काफ़ी हेल्पफुल लेडी रही है, उनका नेचर जो है ना बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे कंचुले के टाइम में भी बहुत हेल्प किया था, और मैं वो कंचुले को सही जगह पे ले गया। आज कंचुले चल फिर पा रहा है, तो उनके बदौलत ही है, तो अच्छा लगता है। सो फिलहाल जो है ऑफिस से घर निकलने का टाइम भी हो गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, कोई बात नहीं गाइस, होता है, इतने सालों से साथ में काम करते थे। मौसम भी थोड़ा सा, मौसम का नज़ाकत थोड़ा सा अजीब सा ही है, तो इसलिए फटाफट निकलते हैं, बारिश भी हो सकता है। सो गाइस, कल जो है ना ऑफिस से आने का बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैं सो गया। उसके बाद आज सुबह उठ के अभी एडिट करके ख़त्म कर चुका हूँ गाइस, फिलहाल टाइम भी हो चुका है। आज ब्लॉग जो है ना थोड़ा लेट आ रहा है, 11:43 हो चुके हैं, हो सकता है आधे घंटे एक घंटे बाद ब्लॉग आ जाए, क्योंकि एंड कर रहा हूँ ब्लॉग, तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। एडिट तो ख़त्म हो चुका है, अब एक्सपोर्ट करना है और अपलोड करना है। सो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप कि पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,